तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया? चोरी से 5,000 कहाँ गए? मैंने चोरी की, मेरे पैसे, लेकिन अच्छे काम के लिए। अच्छे काम के लिए? सुन, करोड़ करोड़ बना देगा उसका। तुम दोनों साले करोड़पति करोड़पति बना दोगे। मेरे घर में नहीं रहने का, बाहर निकल। मेरे को बाहर निकल। मेरे को खाने दे, बाद में निकलना। बाहर तो बाहर निकल। सलाम वालेकुम इस्माइल भाई। राम राम कल्याण जी भाई। कल्याण जी भाई, किसी ने सच कहा है, अगर पेट में दाना पानी ना हो तो रात को नींद उड़ जाती है। जो बे उजड़े चमान सुनाता किसको है? तेरे पास उधार मांगने नहीं आया? लाखों लोग सड़क पर भूखे सोते हैं। एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। और ज्यादा बकवास मत कर, सर पर दो चार बचे हैं ना, वो भी उखाड़ दूंगा। प्रताप, बीड़ी जो ये साला, एक बार बीड़ी क्या मांगी, भिखारी समझता है क्या? ये ले पूरा डाल ले, सवारी का माल से ले। लाख लाख मारा क्या भोग लगे, सूतेला सांप ने जगाड़ी। बीड़ी जो ये, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। तूने खाया? माँ ने आधा खिलाया और आधा अपने हिस्से का मेरे लिए भेज दिया, है ना? देख छोटू, आज तक मैंने किसी के हिस्से की भूख प्यास नहीं छीनी। जा अपने हाथों से अपने माँ को खिला, जा। एक बात पूछू मामा? क्या कहा? मामा। वाह छोटू वाह, मैं तो रिश्तों को भूल ही गया था, तूने वापस याद दिलाया। चल पूछ, क्या क्या पूछना है? मामा, बचपन में अगर तुमने अपनी माँ से कहानी सुनी होगी तो मुझे भी सुनाओ ना। जा अपनी माँ को खाना खिला, जा। सुनाओ ना कहानी। छोड़ो जी तुम लोगों को, कमीने, कुत्ते, बराबर। मुझे बेचना चाहती थी। मुझे बहुत मारा तुझे, मुझे कल से पानी भरे तो ही जाएगी। हाँ मैं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। अरे कहाँ छोड़ोगे? देखा प्रताप, देखिए अपनी जुबान की ताकत। इन लोगों में क्रांति की ज्वाला सिर्फ तुम जगा सकते हो। अरे छोड़ना ज्वाला की बात, यहाँ बीड़ी जलाने के लिए माचिस दूसरे के पास मांगनी पड़ती है। क्रांति की बात, एक होने पे तेरा बाप हूँ। चलो चलो भाई, अपने अपने घर पे जाओ, चलो। अरे कल्याण जी, इस्माइल, ये है ना साला तुम्हारी वजह से बिगड़ा ही है। भाई तेरा मुनी मुंह लोग क्या कहेंगे? तू क्या कर रहा है वहाँ पे? वो साले गुंडे मोबालियों के साथ में, नहीं तो तेरे को दो वक्त खाने की रोटी नहीं मिलती। अरे क्या क्या बकबक कर रहा है? अरे इधर मारना नहीं, छोटा मगज होता है, आदमी मर सकता है। अरे चल अंदर चल, तेरी वजह से खाना नहीं खाया मैंने, चल। क्या आसरा है? क्या आसरा है? तेरा कैरेक्टर मेरी खोपड़ी में नहीं बैठता। अरे नहीं बैठे तो ना सही। तू मेरे को एक बात बता पहले। क्या? मेरे पैसे से तुम लोग दोनों आंकड़ा खेलते हो? मटका बटका तो नहीं खेलते हो ना? दारू बारू पीते हो? बीड़ी की बात आती है, मुंह बंद कर। बेटे रंडी बाजी तो नहीं करते हो ना? अरे कलम अली भाई, एक बच्चे के साथ कैसी गंदी बात करता है? ऐसी गंदी चीज नहीं करना बेटे। तो फिर मेरी लक्ष्मी को क्या तुमने फिल्म लाइन में डाला है? कन्फर्म करोड़, एक करोड़। चल खाना खा के गाना गाते। लच्छू योगू, अरे योगू मेरे यार। अरे तू तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही लगता है, एकदम दुबला पतला। मैंने तो सोचा था कि आदमी के पर पैसे आ जाए तो बड़ा झाड़ा मोटा हो जाता है। अरे यार तुझे देखकर अपना बचपना याद आ गया। याद है तुझे, तू कैसे छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाता था? और आज आज शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने वाला योगराज बिल्डर। अरे बातें छोड़, ये ज्ञानचंद जी हैं। अरे ज्ञानचंद के ज्ञान के बारे में तो मैं बहुत कुछ सुन चुका हूँ। तुम्हारे कारोबार का काला सफेद कोई भी काम इनके ज्ञान के बाहर थोड़ी है, है कि नहीं? कंगी अंदर अंदर को, बहुत बुरी आदत है इसकी। आइए आइए, आओ आइए बैठिए, आइए। हाँ तो भाई साहब बोलिए, क्या पियेंगे, गरम ठंडा? कुछ नहीं, मैं ओल्ड टीन पीऊंगा।
नहीं, वो घर में नहीं है। ये एक और बुरी आदत है इसकी। देख लच्छू, तू तो मुझे बचपन से जानता है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। बराबर। देख, तेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटी है। जो कुछ भी तेरा है वो मेरा है, और जो कुछ भी मेरा है वो समझ ले तेरा है। यानी तेरा जो कुछ भी है वो मेरा है? हाँ। वो कैसे? सीधी सी बात है लच्छू, मेरा सारा माल मेरी बेटी का, मेरा मतलब है शादी के बाद तो दामाद का ही हो जाएगा ना। देख भैया, ये तो लेन देन की बात करेगा तो तेरी मेरी नहीं जमेगी। ये लो। इसलिए मैंने अपने बेटे को पहले से ही घर के बाहर भेज दिया है। अरे यार, तेरी बेटी मेरी बेटी जैसी है, एक साड़ी में विदा कर देना, मुझे दहेज में फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, समझा? वाह। नहीं। और दिन रात एक करके जो मैंने दुनिया भर की दौलत कमाई है वो किसके लिए? मुझे नहीं मालूम। देख, मैंने तो फैसला कर लिया है, 1 करोड़ नगद मैं ममता को दूंगा ही। 1 करोड़ नगद? 40-50 लाख रुपए के गहने और फिर एक छोटा सा बंगला 3 करोड़ का, ये सब मैंने अपने बेटी के नाम कर दिया है। 40-50 के गहने मतलब 1.5 करोड़, और 3 का बंगला 4.5 करोड़। बाकी उसके बैंक के खाते में कुछ 2-3 करोड़ रुपए तो जमा है ही। अब बाप बनकर मैं उस पर नजर थोड़ी ना रख सकता हूँ। 3 करोड़ का तो बैंक बैलेंस, 7.5 करोड़। अब जिंदगी भर दूसरे लोगों की शादी पर पैसा मैंने बांटा, अब अपनी बेटी की शादी पर वो लोग पैसा देंगे ही ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं देंगे। यूं समझ ले कुछ 40-50 लाख रुपए तो हो ही जाएंगे। 40-50 की बख्शी यानी 7.5 और 50, 8 करोड़ की लक्ष्मी। देख, अब तू ना करके दोनों प्यार करने वालों का दिल मत तोड़ देना। अरे मैं कैसे ना कह दूं भैया, लेकिन हाँ यार, ना का फैसला तो तेरी मर्जी से ही होगा ना। मैं तो अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तू जब हाँ कहेगा हम दोनों की शादी कर देंगे। ठीक। और इनकी निशानी है डूबती नैया, इसलिए ये हमारे देश की डूबती नैया को बचाने आए हैं। बजाओ ताली। सुनो सुनो, ये है क्रांति दल के क्रांतिकारी नेता श्री चंद्रसेन आजाद। इनकी निशानी है जली हुई रोटी। इनका दावा है कि देश के हर भूखे नंगे को रोटी खिलाएंगे और खुद भी दबा कर खाएंगे। बजाओ ताली। बंधुओं आनी भगनीनों, भाइयों और बहनों, पिछले कई वर्षों से आप लोग हमें जिताते आए और हम भी जीतते आए, और आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि बदले में हमने आप लोगों को क्या क्या नहीं दिया। अरे ये सब झूठ बोलता है, सब झूठ बोलता है। अरे ये लोग ऐसा बोलता है जैसे टेप किया हुआ कैसेट। मगर आज आप इन लोगों का बातों में नहीं आने का। ये लोग आपको अगर कुछ दिया है तो गोली भी दिया है, बेकारी दिया है, भूख दिया है, भ्रष्टाचार दिया है। ये ना चलबे, ये सरकार ना चलबे। ये क्रांति दल के लोगों की दोगली बातें सुन सुन के मेरा खून खौलने लगा है। मिस्टर चंद्रसेन आजाद, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं कि कुर्सी और सत्ता हासिल करने के लिए तुम लोग कौन कौन से ढोंग नहीं रचाते? धर्म, जातिवाद और पता नहीं कौन कौन से प्रश्न खड़ा करके लोगों को उल्लू बनाते हैं। लेकिन अब हम उल्लू नहीं बनेंगे, ना आपसे ना इनसे। बजाओ ताले। ओ ना चल बे देशमुख साहेब, ना चल बे। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार इस देश का सत्ता का लगाम हमारा हाथ में दो, और फिर हमको इस देश का सेवा करने का मौका दो। और हमारी सेवा करते करते ये ऐसा मेवा खाएंगे, ऐसा मेवा खाएंगे कि देश की खटिया खड़ी हो जाएगी। Oh!
ये देख बस्ती में आग लगी। प्रताप क्या हुआ? लक्ष्मी दाजी उन्होंने मेरी बीवी को काट डाला। किसने? वो देख के भड़के हैं, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काट रहे हैं। मुझे जल्दी चला लक्ष्मी दाजी। मेरी समझ में फायर ब्रिगेड को फोन करके आती हूँ। पकड़ उसे। हेलो हेलो, मैं लक्ष्मी नगर से बोल रही हूँ। बोलिए। आप जल्दी आ जाइए, चारों तरफ आग लगी हुई है। हाँ हाँ मालूम है, आग चारों तरफ लगी है, 50 फोन आ चुके हैं। अरे मगर आप कब आएंगे? जब टैंकर आ जाएंगे फिर देखेंगे। सब जलकर राख हो जाएगा यहाँ, जल्दी आइए प्लीज। सर लक्ष्मी नगर में भी दंगे भड़क चुके हैं, हेडक्वार्टर से वायरलेस मैसेज है, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। गोली मारो हेडक्वार्टर के मैसेज को, मर जाने तो 2-5 हजार, जल जाने तो सारी बस्ती को, उसके बाद हम जाएंगे। जाओ और सुनो, वायरलेस मशीन ऑफ कर दो, अगर तुम्हें किसी ने पूछा तो कह देना कि मशीन खराब हो गई थी। अच्छा जाओ, लक्ष्मी नगर जले उसी में हमारी भलाई है। मजा लो मेरे छोटू को, मजा लो क्या?